नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 से 3 घंटे में आप रजिस्टर्ड मैरिज कैसे कर सकते हैं। गेट डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज प्रोसेस इन इंडिया, ये आप वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, रजिस्टर्ड मैरिज का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज। देखिए, आजकल जब कभी भी आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज के बारे में सोचते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्राइवेट मैरिज होगा या गवर्नमेंट मैरिज कराना है, या किस तरह का मैरिज कराना है, या हम खाली आपकी आर्य समाज का मैरिज करा देते हैं, कस्टमरी मैरिज करा देते हैं। देखिए, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे शादी कुछ भी कैसे भी क्यों ना हो, अगर मान लीजिए हम आर्य समाज में कर लेते हैं या फिर हम निकाह कर लें या कुछ भी ऐसा कर लें, वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होती है। रजिस्टर्ड मैरिज तभी होती है जब वो कोर्ट से रजिस्टर्ड होती है। तो मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज आपको जानना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी हो गई और अगर वो कोर्ट में भी रजिस्टर्ड है तो उसे रजिस्टर्ड मैरिज कहते हैं। रजिस्टर्ड मैरिज का मतलब नोटरी पेपर पे शादी, ये रजिस्टर्ड नहीं होता। रजिस्टर्ड मैरिज का मतलब केवल आर्य समाज, निकाह या कस्टमरी मैरिज, ये रजिस्टर्ड नहीं होता। रजिस्टर्ड मैरिज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से, कोर्ट से आपके मैरिज का रजिस्टर्ड होना ही रजिस्टर्ड मैरिज कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। अब आता है दूसरा पॉइंट कि हु इज एलिजिबल फॉर रजिस्टर्ड मैरिज, कौन है रजिस्टर्ड मैरिज के लिए एलिजिबल। कोई भी कपल जिसकी एज पूरी हो चुकी है, जिसने मैरिज कर लिया है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जिसकी एज पूरी हो गई वो ऑब्वियसली शादी कर सकते हैं, जिसने शादी कर लिया है वो भी अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो वो भी रजिस्टर्ड मैरिज के लिए एलिजिबल हो सके हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे इंडियन हो या उसका पार्टनर फॉरेनर हो, वो सभी व्यक्ति रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रजिस्टर मैरिज करने के बाद से आप गवर्नमेंट के सारे सुविधाओं के लिए, एक स्पाउस बेनिफिट जो मिलता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने केवल आर्य समाज किया हुआ है, अगर आपके पास केवल कस्टमरी मैरिज किया है, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा ये साबित करने के लिए कि आप मैरिड हैं, और आर्य समाज या बाकी कस्टमरी मैरिज का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। तो कोई भी कपल जिसने शादी की हुई है वो रजिस्टर्ड करा सकता है अपने मैरिज को। तीसरा कि डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्टर्ड मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। तो देखिए, रजिस्टर्ड मैरिज के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सिंपली आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी बर्थ प्रूफ चाहिए होता है। उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या 10th का मार्कशीट हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या पासपोर्ट हो गया। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके रेजिडेंस प्रूफ के लिए, और कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी या डीएल, ये सब कुछ एक चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है दोनों लोगों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए, ताकि आपकी शादी को रजिस्टर्ड कराया जा सके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम मैरिज को किस एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं। तो हमारे देश में जो मैरिज रजिस्टर्ड होता है शादी होने के बाद से, या तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी, या कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में होगा। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि जितनी भी शादियां होती है, खासतौर से लव मैरिज होती है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्योंकि कई बार कोई भी आर्य समाज या कोई भी व्यक्ति शादी का सर्टिफिकेट इशू कर दे रहा था और उसकी वैलिडिटी पे बहुत क्वेश्चन उठ रहे थे कि भैया ये शादी वैलिड है भी या नहीं वैलिड है। घर वाले गए शादी तुड़वाने की कोशिश करने लगे, क्या ये वैलिड है, तो वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको शादी को रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। और कई राज्यों ने तो इसे कंपलसरी बना दिया है कि आपको शादी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसी वजह से कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने शादी किया है तो कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन के अंदर उसका मैरिज रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अब आता है कि प्रोसेस टू रजिस्टर योर मैरिज, क्या प्रोसेस है। अब देखिए, अगर आपको अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना है तो 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कि आपको पूरा ही चीज कराना है, अभी शादी नहीं हुआ और रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ,
तो आपकी शादी भी हो जाएगी। शादी पहले आपके धर्म के मुताबिक, आर्य समाज में या निकाह या क्रिश्चियन मैरिज के मुताबिक, जिस धर्म से भी आप बिलोंग होते करते होंगे उस धर्म के मुताबिक आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस अगर आप हमारे पास से करते हैं तो गाजियाबाद से ये 2 से 3 घंटे में, मुंबई से भी 2 से 3 घंटे में हो सकता है, दिल्ली से 2 डेज लगता है। पहले दिन शादी होती है, सेकेंड डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपको बात करना होगा हम लोगों से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। अब यही नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमारी सर्विसेज ले कैसे सकते हैं। तो सर्विसेज लेने के लिए आपको जो है आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8800444555 है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law, इस पर विजिट कर सकते हैं। ईमेल care@leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और आप अपने मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रजिस्टर्ड मैरिज समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में और भी डाउट है प्रोटेक्शन से रिलेटेड या कोर्ट मैरिज से रिलेटेड या किसी भी सर्विस को आप लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।